केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर इंदौर आए थे। यहां उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अमित शाह ने मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का संगठन देश का नंबर वन संगठन है। यहां राजमाता राजघराने की मर्यादा लांघ कर गांव-गांव तक गई थी। मैं पूरे देश भर में घुमा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव गांव गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम। वहीं अमित शाह ने चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों का उत्साह बताता है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम तय है। 2023 में बीजेपी की जीत पक्की है तो 2024 में लोकसभा में यहां की सभी 29 सीटों पर जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी, एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी, 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि बीजेपी केडर बेस पार्टी है, यहाँ सभी कार्यकर्ता ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इससे हमारे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है, हमारे मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है। इसलिए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा मूल है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने, आपको ध्यान में होगा, मैंने हमेशा ये कहा है कि चुनाव जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता है। हम सब लोग तो निमित्त मात्र के लिए एक व्यवस्था के तहत सब काम करते हैं। कार्यकर्ता जमीन पर प्रत्येक बूथ पर लड़ता है और प्रत्येक बूथ पर जीतता है। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत और मेरा बूथ जीतने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। जो कल पाथे, कल मूल मंत्र माननीय अमित शाह जी ने इंदौर की ऐतिहासिक सभा के अंदर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने एमपी में विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है तो वहीं 2023 चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि अमित शाह के दावों पर जनता कितना भरोसा करती है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।